आज हम अपनी लेकर आए हैं नाश्ता की रेसिपी जो कि झटपट घर में बन जाता है और बच्चे बाहर का बिल्कुल नहीं खाएंगे अगर इस तरह से आप घर में बनाओगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने 3 आलू लिया है जो कि उबाल के लिए, इनको बड़े तरह से छील लिए हैं। अब यहाँ पे इसको इस तरह से बाउल लेना है और इसको बढ़िया से कद्दूकस कर लेना। चाहे तो आप मैश कर सकते हो। कद्दूकस में क्या होता है, एक भी गुठलियाँ नहीं रहती हैं, तो इसीलिए कद्दूकस कीजिए बढ़िया परफेक्ट तरीके से। नाश्ता आज बहुत बढ़िया से बनने वाला दोस्तों, आप भी ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को घर में बना के खिलाइए। झटपट बनने वाला नाश्ता है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आधा कप हमने लिया है मैदा। चाहें तो आप इसमें आटा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गेहूं का आटा डेली यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे लिया है अरारोट। चाहें तो पूरा आप गेहूं के आटे से ये रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है और यहाँ पे डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। यहाँ पे हमने हरी धनिया लिया है जो कि हमने पत्ते का यूज किया है, डंठल बिल्कुल नहीं यूज किया है। बढ़िया तरह से इसका आटा लगा के रख लेते हैं। आटा को हमने बढ़िया लगा के रख लिया है बिना पानी डाले, तो कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो चुका है। तो करना क्या, इसकी लोइया काटना है। लोइया हमने बना लिया है, अब थोड़ा सा इसमें लगाएंगे सूखा आटा। चाहे तो आप तेल का प्रयोग कर सकते हो। इसको बढ़िया तरह से बेल लेते हैं, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, कुछ इस तरह का दिखा रहे हैं आपको हम। हमने कुछ इतना पतला बेला है, चाहे तो आप थोड़ा सा मोटा कर सकते हो। इस तरह से फोक लेना है और इसमें इस तरह से डिजाइन बना देना है। डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा आपको पसंद हो। डिजाइन हमने बढ़िया तरह से बना लिया है, अब बस इसको इस तरह से कट कर देना है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, फिर इस तरह से कर देना है। रोटी थोड़ा मोटा ही रखिएगा तभी डिजाइन उभर कर आएगी। फिर इस तरह से लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी को बढ़िया से बना के रेडी कर लिए। चलिए आगे का प्रोसेस। होने में हमने पानी रख दिया है, पानी हमारा उबल चुका है। अब इस तरह से छेद वाली थाली रख देना है। तो छेद वाली थाली को हमने ग्रीस कर लिया है। अब करना क्या है, इस तरह से इनको रख देना है। चाहे तो आप भगोने में इनको डाल करके भी उबाल सकते हो, तो उससे क्या दोस्तों बहुत जल्दी से गल जाते हैं, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता। इस तरह अगर आप भाप में बनाओगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सरल तरीका, बर्तन भी कम फंसते हैं और इससे लेकिन परफेक्ट रेसिपी बनती है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समय तो आपको देना पड़ेगा नाश्ता बनाने में, क्योंकि अगर हम समय नहीं देंगे तो अच्छा नाश्ता भी नहीं खा पाएंगे। तो इस तरह सभी को हम रख देते हैं। तो लीजिए, हमने बढ़िया तरह से रख दिया है, बस इस तरह से इसको ढक देते हैं। अब 5 मिनट लगेगा पकने में, मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से पका लेते हैं। जब तक हमारा नाश्ता पक रहा है तब तक हम इसका स्वास्थ्य बना लेते हैं। तो हमने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, यहाँ पे डालेंगे सरसों का तेल। चाहे तो आप बटर का प्रयोग कर सकते हो। तेल हमारा गर्म हो चुका, तो यहाँ पे डालेंगे जीरा। तड़के में आप राई भी डाल सकते हो, सौंफ भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन का प्रयोग 2-3 कलियों का किया है। और यहाँ पे डालेंगे प्याज। प्याज को इस तरह से बारीक कट कर लीजिए और इसमें ऐड कर। और यहाँ पे डालेंगे करी पत्ता। यहाँ पे मैंने सूखा करी पत्ता का प्रयोग किया, आपके पास अगर हरा वाला हो तो उसका प्रयोग बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। तीखा के लिए डालेंगे हरा मिर्च। हमको इनको इतना पकाना है कि इसमें हल्का से कच्चापन बना रहे। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी में हमने प्याज भी, आधा प्याज का प्रयोग किया, यानी प्याज भी इसमें पीस के डाले हैं।
दो मिनट पकाने के बाद में यहाँ पे पानी डालेंगे। तो पानी उतना डालना है जितना सॉस हमको बनाना है। दोस्तों इधर भी चेक करना ज़रूरी है। तो बहुत बढ़िया से पक चुके हैं, गैस को हमने बंद कर दिया, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा टाइम, बहुत परफेक्ट पक चुके हैं। चलिए इनको ठंडा कर लेते हैं। इधर भी बहुत बढ़िया से टमाटर पकने लगा है, तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा से अरारोट का घोल। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो मैदा का प्रयोग आप कर सकते हो। थोड़ा सा मैदा लीजिए और इसमें घोल बना के डाल दीजिए, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। चाहे तो आप और इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, जैसे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा से सफ़ेद सिरका, 1 चम्मच चिली सॉस और यहाँ पे सोया सॉस डाल देते हैं। बढ़िया तरह से मिलाते जुलाते इसको 1 मिनट तक पका लेना है। 1 मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा डालेंगे टमाटो सॉस, हल्का से मिठास आ जाएगा। अगर आपके पास टमाटो सॉस नहीं है थोड़ी सी चीनी भी आप ऐड कर सकते हो। तो लीजिए सॉस हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब करना क्या है, जो हमने नाश्ता बना के रेडी किया है इसको इसमें डाल देते हैं। अब बढ़िया तरह से मिला देते हैं और यहाँ पे डालेंगे हरी धनिया, इसके बिना तो नाश्ता अधूरा है। और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे ओरिगैनो, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हो। तो चलिए इसको बाहर उतार के रख लेते हैं, एकदम रेडी हो चुका है। हमने एक बाउल ले लिया है, अब इसी में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। आ रहा है ना देख के मुंह में पानी, कितना टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता हमारा बनके रेडी हो चुका है। अगर आप इस तरह का नाश्ता बच्चों को बना के खिलाओगे तो पास्ता जैसे कि मैक्रोनी बाहर से ला के आपको नहीं बनाना पड़ेगा। इस तरह आप हेल्दी सा नाश्ता आप घर में बना के बच्चों को खिला सकते हो। तो लीजिए हमने सर्व कर दिया, काफ़ी टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। आप इसको सुबह भी बना सकते हो, बच्चों को लंच में भी दे सकते हो, शाम के 4 बजे भी बना सकते हो, काफ़ी अच्छा बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।